नमस्कार दर्शकों, खुद ही खुद को समझाना पड़ता है, दूसरे बस बताते हैं तरीके। करने का जज्बा खुद ही जगाना पड़ता है, मेरी अंतरात्मा है मेरी प्रेरणा का स्रोत। दर्शकों, खुद ही खुद को खुद का गुरु बनाना पड़ता है। नमस्कार, डीडी बिहार के बेहद ही खास कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ मैं हूँ मुस्कान, अपने को होस्ट राकेश के साथ। दर्शकों, कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो उस काम को ज़रूर करें, किसी भी चीज़ से निराश ना हो। क्योंकि आज के 20 साल या 30 साल बाद जाके अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा निराश होंगे। और साथ ही दर्शकों, जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहे तो बीच में कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें। क्योंकि दर्शकों कहते हैं ना कि सूरज और चाँद की तुलना कभी एक दूसरे या फिर किसी और से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तभी निकलते हैं, तभी चमकते हैं जब उनका समय आता है। क्यों राकेश? बिल्कुल सही कहा आपने मुस्कान, और मैं भी अपने दर्शकों को तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा अपने दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहार में। और जैसा कि आपने जज्बे की बात कही मुस्कान, और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि बिना जज्बे, अगर आपके पास जज्बा हो तो बड़ा से बड़ा काम जो है हम चुटकियों में आसान कर लेते हैं, और वो कोई काम नामुमकिन नहीं जिसे हम संभव कर पाते हैं। इसलिए निरंतरता बहुत ही जरूरी है, और किसी भी काम को अगर आप करते हैं तो उसमें जोश, जुनून और जज्बा की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो चलिए इन उम्मीद और कामनाओं के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आज के सुंदर सुविचारों की, जो हमारे महात्माओं द्वारा हमें रोजाना दिए जाते हैं और जिसे हम बिहार बिहान के प्रस्तुति के माध्यम से आप तक हम साझा करते हैं। तो आइए जानते हैं आज का विचार क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूँ, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। दर्शकों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीना कुमारी सिंह। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये हैं विभाग अध्यक्ष, और बता दूं कि ये हेड ऑफ बोन्स एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है एम्स पटना में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और मैम जैसा कि हम लोग आज बात करें, 15 जुलाई की आज तारीख है, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस हम मना रहे हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी के कई सारे आयामों को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी जो वर्ड है वो आया कहाँ से, इतिहास इसका क्या है, और मेडिकल साइंस की दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी पर जो रिसर्च है वो कब से शुरू हुआ, जरूर इसके बारे में बताएँ। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को और अपने दर्शकों को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। 15 जुलाई को हर साल हम लोग प्लास्टिक सर्जरी दिवस ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाते हैं, और इसका दो कारण होता है मुख्य कारण। एक तो मरीज हो या फिर आम जनता हो, उनमें इसके बारे में जागरूकता फैलाना, और दूसरा ये है सिर्फ आम जनता ही नहीं, डॉक्टर्स के बीच में भी जागरूकता फैलाना। और कई हॉस्पिटल्स या कई डॉक्टर्स जो होते हैं वो इस दिवस को फ्री कैंप्स, हेल्थ कैंप्स करके भी मनाते हैं। तो आपने जैसा कि पूछा कि ये प्लास्टिक सर्जरी जो है इसका क्या इतिहास है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लास्टिक वर्ड है, प्लास्टिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड प्लास्टिको से इसकी उत्पत्ति हुई है, और उस प्लास्टिकोस का मतलब होता है कि किसी भी अंग को तोड़ मरोड़ करके एक नया आकार देना, एक नया शेप देना। तो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी में या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी आप कह लीजिए, हम इन दोनों के बारे में आपको अलग अलग बताएंगे। इसमें होता क्या है कि मरीज के किसी भी अंग को जो क्षतिग्रस्त हो गया हो या जो जन्म से ना हो, उसको हम नए सिरे से बनाते हैं, या तो उसके पैर या हाथ से या उसके पीठ या पेट से, कहीं से भी मांस हो, चर्बी हो, हड्डी हो, इसको ले करके और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर उसको वो नया आकार दे करके और उस अंग का पुनर्निर्माण करते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा नाम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी है। तो ये जो ब्रांच है वो किसी एक ऑर्गेन विशेष से संबंधित नहीं है, हेड टू टो हम किसी भी जगह पे सर्जरी करते हैं, डीपर ऑर्गन्स में नहीं जाते हैं, ऊपर स्किन पर और स्किन के नीचे मांसपेशियाँ और हड्डियों तक भी रहते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसी मांसपेशियाँ या हड्डी लेकर के नया अंग बनाते हैं जी।
जैसा कि हम प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो मैम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि सर्जरी तो हम सब ने सुना है, लेकिन सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में क्या कुछ अंतर है? और जैसा कि आपने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी कहते हैं और इसी में कॉस्मेटिक सर्जरी भी आता है, तो ये कैसे तीनों एक दूसरे से अलग है, इस बारे में बताएं। तो सर्जरी मतलब वो एक ब्रॉड टर्म है, जब कोई भी हम शल्य क्रिया करते हैं तो उसको हम सर्जरी कहते हैं। सर्जरी मतलब आम जनता जानती है कि जनरल सर्जरी, जो हमारा एक स्पेशलिटी होता है। उसके बाद इस सर्जरी के अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, अलग अलग सब स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे कि आप कार्डियक सर्जरी का नाम आपने सुना होगा, न्यूरो सर्जरी, वैसे ही प्लास्टिक सर्जरी है, यूरो सर्जरी है। तो सर्जरी एक बड़ा टर्म, ब्रॉड टर्म हो गया और उसमें ये सारे सब स्पेशलिटीज़ आते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे एक बात का मैं आपको बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि प्लास्टिक सर्जरी और सर्जरी दोनों की ही शुरुआत इंडिया में हुई है। भारत में महर्षि सुश्रुत का आपने नाम सुना होगा, जिनको कि फादर ऑफ सर्जरी और उनको ही फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। तो तकरीबन 600 बिफोर क्राइस्ट ईस्वी में बनारस शहर में उनका कार्य रहता था और उन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में बहुत तरह की सर्जरीज़ के डिफरेंट प्रोसीजर्स, प्लास्टिक सर्जरी का कैसे माथे से स्किन लेकर के नाक बनाई जाती है, ये सारा कुछ उन्होंने सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपको सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी। अब आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। हम लोग अपने प्लास्टिक सर्जरी में कॉस्मेटिक सर्जरी को एस्थेटिक सर्जरी बोलते हैं। एस्थेटिक्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ सुंदर जो है, जो आँखों को भाती है, और जनरल लोग उसी एस्थेटिक सर्जरी को कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। तो इसमें क्या है कि प्लास्टिक सर्जरी अगेन एक बड़ा टर्म हो गया, ब्रॉड टर्म। इसमें मेजर पार्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होता है और एक पार्ट उसका एस्थेटिक सर्जरी है। तो रिकंस्ट्रक्टिव, जैसा कि शब्द बताता है, कि अंगों का नए सिरे से पुनर्निर्माण, और एस्थेटिक सर्जरी हुआ कि वो अंग तो है लेकिन उस अंग को और सुंदर और बेहतर देखने के लिए अगर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं तो उनको एस्थेटिक सर्जरी करते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी मतलब ही कॉस्मेटिक सर्जरी, ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, प्लास्टिक सर्जरी बहुत ब्रॉड स्पेशलिटी है और अंगों को नए सिरे से निर्माण भी करती है। जैसे किसी के जन्म से नाक नहीं हो या किसी एक्सीडेंट में कट गया हो तो वो नाक बनाया जाता है, और एस्थेटिक सर्जरी हुआ कि वो नाक तो है लेकिन मरीज को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मोटा है, किसी का कहीं एक चीज़ टेढ़ा है, तो उसी अच्छे नाक को और सुंदर बनाते हैं। तो ये हुई तमाम बातें सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। जी, ये आपने बड़ा डिफरेंस बताया, मतलब कि जो लोग कन्फ्यूज़न में होंगे उनके कन्फ्यूज़न जो है दूर हुए होंगे। अब ये एक और महत्वपूर्ण हमारा सवाल है, क्योंकि इसका जो चलन है कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी, इन दिनों काफ़ी इसकी जो डिमांड है काफ़ी बड़ी है, तो इसे लेकर हमारा ये सवाल रहेगा कि कुछ आंकड़ों पर अगर हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में ऐसे कितने डॉक्टर मौजूद हैं जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, और मतलब कि ऐसे केसेस इंडिया में कितना देखने को मिलते हैं। पर टाइम्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ऐसे कितने केसेस आते हैं, यहाँ पर कितने डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, जरूर इसके बारे में बताएं। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी सिंस एक सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है। जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद प्लास्टिक सर्जरी में MCH करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही टॉप के लोग पहुँच पाते हैं। तो आज के दिन में भारत में तकरीबन 2200 प्लास्टिक सर्जन्स हैं, क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन्स हैं पूरे भारत में, जो कि बहुत ही कम हैं। और इसमें अगर हम एम्स पटना की बात करें तो हमारे विभाग में हम लोग 4 सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, और बाकी हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, तो प्लास्टिक सर्जरी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी स्टूडेंट्स भी हैं। और मरीजों की बात की जाए तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी का प्रचलन बढ़ गया है, लोगों में बहुत तरह की जागरूकता हो गई है। तो आपको कुछ साल पहले लेके जाएं हम, तो पहले क्या होता था कि प्लास्टिक सर्जरी को लोग एक इसेंशियल पार्ट नहीं मानते थे, उन्हें लगता था कि ये तो सिर्फ सुंदर बनाने के लिए है, तो इस विभाग की कोई ज़रूरत नहीं है, इस लोगों का इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे पहले अगर कैंसर का सर्जरी में किसी का जबड़ा या किसी का गाल निकाल दिया जाता था तो वहाँ पर गड्ढा करके छोड़ देते थे,
उसको दोबारा पुनर्निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं होती थी। धीरे धीरे लोगों को लगा कि जीवन बचाने के अलावा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देना भी बहुत ज़रूरी है। जितने वर्ष भी मरीज के पास हैं वो कॉन्फिडेंस से जिए, आत्मविश्वास के साथ रहे, समाज में जा कर के घुले मिले, तो उसके लिए उसका चेहरा सही होना चाहिए, या फिर उसके हाथ या पैर के अंग अगर कटे हुए हैं तो वो अंग पुनर्निर्माण करके एक नॉर्मल अपीयरेंस दें। तो ओवर द ईयर्स ऐसा अवेयरनेस करते करते अब लोगों को प्लास्टिक सर्जरी का इम्पोर्टेंस और उसकी एसेंशियलिटी समझ में आने लगी है कि ये ज़रूरी है। तो इसलिए प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स के नंबर्स बढ़ गए हैं। एम्स पटना में ही देखा जाए तो आज से 10 साल पहले बहुत कम मरीज थे, लेकिन आज के दिन में हमारे विभाग में तकरीबन एक महीने में मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ 2,500 से 3,000 मरीज एक महीने में आते हैं, और इसमें 99% ऐसे होते हैं जिनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत रहती है। किसी भी कारण से या तो जले हुए मरीज अपने घाव या अंगों की विकृति लेकर के आते हैं, या नसों की क्षतिग्रस्त होने के बाद उनका हाथ या पैर नहीं काम कर रहा होता है, या फिर कैंसर के बाद पुनर्निर्माण करवाने के लिए अंगों का, या फिर बहुत सारे खून के गुच्छे होते हैं हाथ पर, पैर पर, चेहरे पे, वो मरीज़ भी आते हैं, और कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के भी मरीज आते हैं। तो इस तरह का आंकड़ा है, धीरे धीरे हर साल हम देख रहे हैं कि भारत में भी और विश्व में भी प्लास्टिक सर्जरी के प्रति जागरूकता बढ़ी है और दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जी, और जैसा कि अभी हम प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी सर्जरी से पहले या फिर बाद में किस तरह की प्रिकॉशन या प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैं मुस्कान आपको बताना चाहूँगी कि जो कोई भी सर्जरी की प्रक्रिया होती है, इट इज़ नॉट 100% सेफ। कोई भी अगर एक हम टाँका भी लेते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, टाँके खुलने का डर होता है। तो आम तौर पे सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो यही होते हैं कि जहाँ पर सर्जरी हुई है वहाँ पर इन्फेक्शन होना, कुछ पस हो जाना, या वहाँ से किसी तरह का डिस्चार्ज आना। कई बार जहाँ टाँके लगे रहते हैं वहाँ टाँकों का खुल जाना, या टाँकों वाली जगह पर स्किन का काला पड़ जाना, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो किसी भी सर्जरी में कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा अगर प्लास्टिक सर्जरी की बात की जाए तो प्लास्टिक सर्जरी में चूंकि हम मरीज का ही खाल या फिर उसकी हड्डी, ये सारी चीज़ें ले करके एक नया अंग का निर्माण करते हैं, तो इसमें जो सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी के जो स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें ये है कि वो खाल सड़ सकता है, खाल में खून का दौरा चालू नहीं हुआ या पुनः स्थापित नहीं हो पाया तो वो खाल या हड्डी मर जाती है। जैसे हमारे प्लास्टिक सर्जरी में ही एक माइक्रो सर्जरी विधि होती है जिसमें अगर हमको मरीज का जबड़ा बनाना है तो हम पैर की एक पतली हड्डी लेते हैं जो उसकी खून की नलियों के साथ आती है, हड्डी को फिर हम काट करके जबड़े का शेप देते हैं और वहाँ गले के खून की नसों के साथ उस हड्डी की नसों का जुड़ाव करते हैं, तो इसको माइक्रो सर्जरी करते हैं। तो इसमें कभी कभी बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो खून की नसें जोड़ने के बाद भी खून की धारा जो है वो पुनर्स्थापित नहीं हो पाई और इसमें जो हमने खाल या मांस लगाया है वो सड़ जाएगा और फिर उसे हमें निकालना पड़ेगा। तो ये प्लास्टिक सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हम हर मरीज़ को बताते हैं कि किसी भी तरह की सर्जरी जैसे पूरी तरह से सेफ नहीं है, वैसे ही प्लास्टिक सर्जरी है। प्लास्टिक सर्जरी को लेकर लोगों के बीच जो जागरूकता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और शायद यह वजह है कि चलन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी दोनों का। कॉस्मेटिक सर्जरी की जब बात आती है मैम, तो यहाँ पर जो डिमांड है तो ज़्यादा बढ़ी है, हेयर लॉस को लेकर भी लोग सर्जरी करवा रहे हैं और लाइकोसेक्शन भी एक सर्जरी है जो लगातार मोटापे को लेकर, जो चर्बी घटाने को लेकर जो लोग हैं सर्जरी करवाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि वर्ष 2022 की घटना है, कन्नड़ अभिनेत्री की मौत भी हुई थी एक सर्जरी के बाद। तो आपने जैसा कि बताया भी था कि ये उतना सुरक्षित भी नहीं है, तो इसके क्या गाइडलाइंस है, क्या रेगुलेशन है इसके लिए, सर्जरी के लिए जरूर चाहेंगे इसके बारे में जानकारी आप दें। देखिए, जैसा आप एस्थेटिक सर्जरीज के बारे में बोल रहे हैं कि जो हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या लाइपोसक्शन करते हैं, या एस्थेटिक सर्जरीज में पहले तो मैं बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं।
इसमें चेहरे में कहा जाए सर्जरी में तो फेस लिफ्ट होता है, नेक लिफ्ट होता है, जिसमें चेहरे पे अगर झुर्रियाँ पड़ी हैं तो उनका स्किन का हम टाइटनिंग करते हैं। किसी के ब्रेस्ट का आकार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं हम अपने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से। फिर अगर पेट में या हाथ पैर में कहीं भी चर्बी है तो उस चर्बी को लाइपोसक्शन के माध्यम से निकाला जाता है। और बाकी हेयर ट्रांसप्लांटेशन तो बहुत ही कॉमन एस्थेटिक सर्जरी है। तो इन चीज़ों के लिए लोगों में जागरूकता डेफिनेटली बढ़ी है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी सर्जरी फ्री ऑफ रिस्क नहीं है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ रिस्क नहीं है, उसी तरह से प्लास्टिक सर्जरी है। प्लास्टिक सर्जरी में कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है, ये मैं क्लियर करना चाहूँगी। और आप जिन अभिनेत्री की बात कर रहे हैं उनके बारे में पूरी तरह से मैं अवगत हूँ, वो लाइपोसक्शन प्रोसीजर के लिए गए थे। तो होता क्या है कि हम जो लोग इतने एस्थेटिक सर्जरीज करते हैं उसमें बेहोश करना पड़ता है मरीज को, बहुत सारे सर्जरीज होते हैं, तो बेहोशी के भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और वो किसी भी सर्जरी में हो सकते हैं। बेहोशी में ये देखा गया है कि कभी कभी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है, कभी कभी कोई खून की नली ब्लॉक हो जाती है, तो ये सब कारण से मरीज की मृत्यु भी होती है। और लाइपोसक्शन में अगर कहा जाए तो अगर बहुत ज़्यादा हम चर्बी निकाल रहे हैं तो चूंकि उतना ही हमें फ्लूड रिप्लेसमेंट देना होता है, तो कई बार बॉडी का जो हम हीमोडायनेमिक्स बोलते हैं कि कितना ब्लड लॉस हुआ, कितना चर्बी हमने निकाला और कितना हमने फ्लूड दिया, ये बैलेंस कभी कभी गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि हर किसी का बॉडी का रिएक्ट करने का एक अलग तरीका होता है, हर मरीज, एवरी पेशेंट इज़ अ डिफरेंट पेशेंट, तो ये हमें याद रखना होगा। तो इन अभिनेत्री की भी जो आप बात कर रहे हैं, उनकी कुछ एनेस्थीशिया कॉम्प्लिकेशन से मृत्यु हुई थी, ना कि लाइपोसक्शन। उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी बहुत हाईलाइट हुआ था कि एस्थेटिक सर्जरी से मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सर्जरी के कारण नहीं, वो एनेस्थीशिया कॉम्प्लिकेशन, जो कि एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन हर मरीज के साथ हो सकते हैं, रिस्क रहता है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लास्टिक सर्जरी भी बाकी सर्जरीज की तरह एकदम सेफ नहीं है। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी कंपेरेबल हैं, जैसा बाकी सर्जरी में वैसा ही प्लास्टिक सर्जरी में। और अगर ट्रांसजेंडर्स को लेकर अगर प्लास्टिक सर्जरी की बात करें, तो अगर भारत की बात करें तो कितने केसेस ऐसे आ रहे हैं इसको, इसके सर्जरी को लेकर, और कितना हाई रिस्क होता है इस सर्जरी में? देखिए, ट्रांसजेंडर सर्जरीज जो होती हैं उसका भी प्रचलन अभी भारत में बढ़ा है। 2009 से 2023 की बातें करें तो पहले जहाँ किसी सेंटर पे तकरीबन 8 से 10 मरीज होंगे, आज के डेट में किसी भी सेंटर पे एक वर्ष में 500 के लगभग मरीज हो रहे हैं। और इंडिया में ऐसे 10-12 सेंटर्स हैं जिनमें हाई वॉल्यूम ट्रांसजेंडर सर्जरीज हो रही हैं। तो ट्रांसजेंडर सर्जरी में जनरली जो कॉमन सर्जरीज होती हैं कि अगर मेल टू फीमेल हो रहा है तो उसमें नए सिरे से ब्रेस्ट का पुनर्निर्माण करना पड़ता है, और जो मेल का लिंग होता है उसको हटा करके फीमेल का लिंग बनाया जाता है, और इसी तरह से उल्टा फीमेल टू मेल में। तो इसमें ये सर्जरीज़ का अभी, चूँकि ट्रांसजेंडर सर्जरीज़, ट्रांसजेंडर्स भी अवेयर हो गए हैं, प्लास्टिक सर्जन्स ने भी इसको बहुत अच्छे से टेकअप किया हुआ है, और सरकार की बात करें तो उन्होंने ये ट्रांसजेंडर सर्जरीज़ के लिए बहुत अच्छा प्रोविज़न लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें अब ट्रांसजेंडर सर्जरीज़ भी कवर्ड हैं। ये लास्ट ईयर से हुआ है, और इसके चलते जो होता है ट्रांसजेंडर पेशेंट्स में, जो पहले वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो अब अफोर्ड करने लगे हैं और खुल करके अपने प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाने लगे हैं, और प्लास्टिक सर्जन्स भी उनकी सर्जरीज बहुत डेडिकेशन से करने लगे हैं। जो ट्रांसजेंडर सर्जरीज करते हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं। और कॉम्प्लिकेशंस का बोलें तो फिर से वही सेम रेट है कॉम्प्लिकेशंस का, कोई भी एक्स्ट्रा इंक्रीज रेट नहीं है ट्रांसजेंडर सर्जरीज में, सेफ होते हैं, और जो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं वो किसी भी प्लास्टिक सर्जरी विधि में हो सकती है। बट सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो सरकार का होने के कारण अभी आज के डेट में ट्रांसजेंडर सर्जरीज बहुत बढ़ गई हैं। जी, ये बड़ी बात आपने बताया। अब पटना एम्स की हम थोड़ा बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि पटना एम्स में भी डॉक्टर की अच्छी खासी वहाँ पर टीम है सर्जन की, क्योंकि आपका भी अनुभव है काफ़ी लंबे वर्षों से रहा है पटना एम्स की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर किस तरह की जो सर्जरीज़ हैं वो ज़्यादा वहाँ पर की जाती है, और यहाँ पर किस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम दी जा रही हैं जो मरीजों को, और इसी के साथ साथ जो कॉस्ट है उसके भी हम बात करना चाहेंगे। क्या अफोर्डेबल रेट में वहाँ पर जो सर्जरीज़ हैं वो होती हैं, जरूर उसके बारे में बताएँ।
तो पटना एम्स में पहले हम लोग बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी विभाग आज की डेट में जो भी प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे तमाम सर्विसेज कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू करें जो हमारा बल्क पेशेंट होता है, सबसे ज़्यादा हमारे पास मरीज आते हैं जो जलने के बाद जिनकी विकृतियां हो जाती हैं या घाव होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उन पर पतला खाल या मोटा मांस लगा करके हम उसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। तो इस तरह के मरीज हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद जन्मजात बहुत सारी विकृतियां होती हैं, जैसे छोटे बच्चों में कटे होंठ और तालू, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, इनके पेशेंट्स बिहार के तमाम जिलों से हमारे पास आते हैं और हर एज में आते हैं। जैसे छोटे बच्चों में ये सर्जरी की जाती है तो कई बार ये उस एज में आते हैं, कई बार जिनको नहीं मालूम होता है वो थोड़ा लेट भी करके आते हैं। फिर अगर चेहरे की विकृतियों की बात करें तो इसमें क्रेनियोफेशियल एनोमलीज की हम बात करें, जिसमें माथे और चेहरे दोनों की विकृतियां हो जाती हैं, तो वो भी पेशेंट्स होते हैं। अभी कल और परसों हम लोगों ने ये क्रेनियोफेशियल एनोमलीज पर ही एम्स में एक वर्कशॉप भी किया, जिसमें हमारे प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट मुंबई से डॉक्टर नितिन मोकल सर आए हुए थे और उन्होंने एक क्रेनियोफेशियल बच्चे का बहुत अच्छे से सर्जरी भी डेमोन्स्ट्रेट किया। तो हम ये सर्विसेज भी दे रहे हैं। हाथ की नसें जो डैमेज हो जाती हैं, कई बार लोग अपना हाथ काट लेते हैं या एक्सीडेंट में कट जाता है तो उनमें नसें और धागे डैमेज हो जाते हैं, टेंडन और नर्व इंजरीज, तो वो वाले भी पेशेंट्स रहते हैं। उसके अलावा बात करें तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज का। ब्रेकियल प्लेक्सस एक नसों का गुच्छा होता है जो हमारे गर्दन के पास होता है, जिससे हमारा कंधा, कुहनी और हाथ चलता है। तो एक्सीडेंट्स में कई बार होते हैं कि मरीज के कंधे पर चोट लगी और ये ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, उससे उसका हाथ लुंज पड़ जाता है। तो ये पेशेंट्स भी हमारे पास, चूँकि बिहार, झारखंड और आसपास के कई स्टेट्स में ये सर्जरी सिर्फ एम्स पटना में हो रही है, तो उनके इन राज्यों से सारे मरीज जो होते हैं, कई बार नेपाल से हमारे पास मरीज आते हैं, तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के बहुत बड़ा पॉपुलेशन हम लोग केटर कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो खून की नलियों के गुच्छे वाले वैस्कुलर एनोमलीज हम लोग बोलते हैं, वो पेशेंट्स आते हैं। फिर कैंसर से जो अंग कट चुके होते हैं उन अंगों का निर्माण करवाने के लिए हमारे पास मरीज आते हैं। एस्थेटिक सर्जरी मैंने बोला, वो तमाम मरीज रहते हैं। और हमारे पास कई मरीज आते हैं जिनको लेज़र की ज़रूरत है, तो हमारे पास लेज़र सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, लाइपोसक्शन हम लोग करते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी में जो भी प्रोसीजर्स लोग जानते हैं वो सारे सर्विसेज हम लोग आज की डेट में मरीजों को दे पा रहे हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स के केसेस होते हैं, कहीं हड्डी खुल गई है या कहीं पर मांस उखड़ गया है, वहाँ हड्डी को ढकने का, मांस को ढकने का काम भी प्लास्टिक सर्जरी द्वारा किया जाता है। तो ये तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं। कॉस्ट की अगर बात करें तो एम्स पटना चूँकि सरकारी संस्थान है, केंद्र सरकार का एक संस्थान है, तो मरीजों को जो प्राइवेट में खर्च होता है उससे कहीं कम खर्च होता है। और मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं वो आयुष्मान भारत योजना में या फिर मुख्यमंत्री राहत कोष से ये कवर्ड हो जाते हैं। आम तौर पर अगर बात करें कि छोटे सर्जरीज हैं, जैसे अगर जले हुए मरीज की विकृतियां हैं, तो एक सर्जरी का कॉस्ट 20,000 से 25,000 लगता है। लेकिन जब वो एज कॉस्मेटिक सर्जरी होता है, जैसे कि किसी का अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट डालना हो, तो फिर उसमें इम्प्लांट का कॉस्ट हो जाता है, तो ये 1,00,000 के करीब भी पहुंच जाता है। लेकिन अगर बहुत छोटे भी केसेस हों, बहुत छोटे सर्जरी, जैसे सब किसी के सफ़ेद दाग हैं उसका वो ऑपरेशन करवाने आया हो या कहीं का छोटा निशान, तो 5,000-10,000 में भी हो जाता है। तो जो कॉस्ट है वो किस तरह की हम सर्जरी कर रहे हैं, क्या उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन तमाम बातों पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। और जब हम प्लास्टिक सर्जरी या किसी भी सर्जरी की हम जब बात करते हैं तो ये जो प्लास्टिक सर्जरी से पहले के जो 24 घंटे होते हैं वो कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनको निगरानी में भी रखना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो शुरुआत के जो 24 घंटे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है किसी भी पेशेंट के लिए, किसी भी सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी से पहले। देखिए, इसमें होता यही है, बिल्कुल आपने एकदम ठीक से पॉइंट किया है कि किसी भी सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी में पहले 24 घंटे, फर्स्ट 24 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो मरीज़ जो होता है वो बेहोशी से बाहर निकला होता है,
तो उसके पल्स, ब्लड प्रेशर, उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन पे हमारी निगाहें रहती हैं। अक्सर वो मरीज़ जो है वो आईसीयू या पोस्ट ऑप एरिया में, जहाँ डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे रहती हैं, उनके निगरानी में रखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर पेशेंट का जो ये वाइटल्स है उनको ठीक रखना बहुत ज़रूरी रहता है, किसी तरह के हार्ट की तकलीफ ना हो जाए या ब्रेन में कोई तकलीफ ना हो जाए। इन तमाम बातों का पहले 24 घंटे में फ्रॉम द एनेस्थीशिया पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रॉम द सर्जन्स पॉइंट ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि सर्जरी में कुछ ब्लड लॉस होता है कई बार, तो वो ब्लड लॉस कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर्जरी के बाद ज़्यादा हो रहा हो, इस पर हमारी नज़र रहती है कि मरीज़ का हीमोग्लोबिन कितना है, उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम पोटाशियम वो कैसा है, तो ये सारी उस वक्त जांचें चलती रहती हैं, मॉनिटर्स लगे रहते हैं और एक डॉक्टर मरीज के पास लगातार 24 घंटे बैठते हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ ये ठीक रहे। स्पेशली अगर प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो चूंकि हमारे ऑपरेशन में हम कहीं से मांस या खाल ले करके आते हैं, तो हमारी निगाह उस मांस या खाल पे रहती है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे टांके बहुत टाइट लगे हुए हैं तो वो काला पड़ा है, उसमें खून का दौरा कैसा चल रहा है, क्योंकि उस मांस को बचाना हमारी प्रायोरिटी रहती है। या ऐसा तो नहीं कि जो हमने ड्रेसिंग किया हुआ है हाथ या पैर पर वो बहुत टाइट है और उंगलियों में खून का दौरा नहीं अच्छा चल रहा है, तो उस टाइम पे हमारी ये नज़र रहती है कि अगर हाथ या पैरों पर बैंडेज है तो किसी तरह का हाथ पैर में सूजन नहीं रहना चाहिए, खून का दौरा ठीक रहना चाहिए, जो मांस या खाल हमने लगाया और पतली धमनियों को हमने माइक्रोसर्जरी विधि से जोड़ा है उस खाल या मांस में खून का दौरा सही तरीके से चल रहा है। तो एनेस्थीशिया पॉइंट से और प्लास्टिक सर्जरी पॉइंट से ये 24 घंटे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक बार ये 24 घंटे गुजर जाने के बाद हम थोड़ा आश्वस्त होते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो अब आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। हम आपके विषय में ये जानना चाहेंगे कि इन 17 सालों का जो सफ़र रहा है सर्जरी को लेकर, वो जरूर बताएं कि कितने ये महत्वपूर्ण साल बीते हैं और जो भी सर्जरीज आपने की उसके बारे में जरूर बताएं, क्या अनुभव अब तक आपने लिया है इससे? देखिए, आपने कहा कि 2006 से मैं सर्जरी में जुड़ी हुई हूँ, तो ये बिल्कुल सही है। पहले मैंने जनरल सर्जरी किया है। आमतौर पे प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री लेने के लिए MBBS के बाद पहले MS करते हैं जनरल सर्जरी में, जो PG की पढ़ाई होती है, और उसके बाद फिर हम लोग MCH करते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, जो पोस्ट PG पढ़ाई होती है। तो 2006 से मैं पहले 3 साल जनरल सर्जरी में थी, और वहाँ पर जनरल सर्जरी से रिलेटेड जितने भी सर्जरीज आप इमेजिन कर सकते हैं या जितने भी सर्जरी लोगों को पता है, पेट का सर्जरी हो, गॉल ब्लैडर, हर्निया, अपेंडिक्स, उन सारों में मैं इन्वॉल्व थी। 2009 में मैंने तय किया कि मैं एक प्लास्टिक सर्जन बनूंगी और तभी से मेरा प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ाव हो गया। तो पिछले 14 सालों में जो प्लास्टिक सर्जरी के मैंने केसेस देखे हैं उसमें बहुत सारे जो केसेस होते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी चेंजेस लाइव्स, उसका एक्सपीरियंस मैं एक दो आपके साथ साझा करना चाहूँगी। कि जैसे कोई मरीज़ कभी किसी एक्सीडेंट में हो, या गाँव में ना ये एक चारा काटने वाली मशीन होती है, उससे बच्चे खेलते खेलते अपने उंगली या हाथ काट बैठते हैं, तो वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। और जब वो एक प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंचते हैं और माइक्रो सर्जरी विधि से वो पुनर उस हाथ को जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग रीप्लांटेशन बोलते हैं, तो वो एक मैजिक होता है। ये इमेजिनेशन के बियॉन्ड है कि कैसे एक कटा हाथ, कटा उंगली या कटा हुआ पैर, ट्रेन एक्सीडेंट्स में कई बार मरीजों के पैर कट जाते हैं, उसको दोबारा जोड़ना और उसके बाद जोड़ने के बाद उसका फंक्शन को अचीव करना, ये ना सिर्फ प्लास्टिक सर्जन्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, मरीज गाइड के लिए तो एक तरह से उसका पूरा मतलब एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दोबारा से रीस्टैब्लिश हो जाता है। तो एक ये मैंने आपके साथ साझा किया। एक होता है, कई बच्चियां होती हैं या महिलाएं होती हैं जिनके लंबे बाल होते हैं, और गाँव में एक पानी वाली मशीन होती है जिसमें एक तरीके के बेल्ट लगी रहती है, और वो जब झुक करके वो पानी लेती हैं तो उस बेल्ट में उनके बाल आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि सिर का जो पूरा स्किन है, स्कैल्प का, वो बाल सहित एक टोपी की तरह निकल के अलग हो जाता है। और वैसे में ये मरीज के लिए, जान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि सिर पर चोट है
और मरीज पहुंचते हैं अपने प्लास्टिक सर्जन्स के बाद और उनका पूरा सिर का त्वचा उनके सिर पर फिर से लगा दिया जाता है, उनके बाल समेत। तो ये भी एक मरीज के लिए बहुत ही मैजिकल बात है। तीसरा एक छोटा सा वाक्य, मतलब इसी तरह के केसेस मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं उनको हमेशा, चाहे वो जबड़े का कैंसर हो या मुंह का कैंसर हो या ब्रेस्ट का कैंसर हो, इसमें जब उस पार्ट को निकाल दिया जाता है और जब ये प्लानिंग मरीज को बताई जाती है कि आपका ये अंग निकाला जाएगा, तो मरीज बड़ी सोच में रहता है कि ठीक है मेरा जीवन तो बच जाएगा लेकिन मैं कैसे लोगों के साथ समाज में घुलूंगा मिलूंगा। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उन केसेस में एक प्लास्टिक सर्जन उन अंगों का पुनर्निर्माण करते हैं, ब्रेस्ट का पुनर्निर्माण करके वो पुरुष या महिला का जो कॉन्फिडेंस है उसको वापस रिस्टोर करते हैं। तो ये भी जो होता है एक प्लास्टिक सर्जन के लिए बहुत ही सैटिस्फाइंग, ग्रैटिफाइंग, मतलब जो बोलते हैं असीम संतोष प्रदान करता है उनको। और मरीज़ तो मतलब एकदम, एक कैंसर से बचने की खुशी अलग होती है और दूसरा एक नया अंग मिलने की खुशी अलग होती है। तो ये इस तरह के तमाम मरीज हम लोग आए दिन प्लास्टिक सर्जरी में देखते हैं और हर मरीज़ एक खुशी देता है प्लास्टिक सर्जरी को, लेकिन ये जो कुछ मैंने स्पेशल टाइप के पेशेंट्स आपको बताएं ये कुछ ज़्यादा ही खुशी हमें देते हैं। जी बिल्कुल। और मुस्कान, मेडिकल साइंस की दुनिया में ये चमत्कार से कम नहीं है। अगर अंग आपका कट जाता है तो वापस उसे जोड़ देना ये बहुत ही बड़ी बात है। डॉक्टर को संतुष्टि मिलती है और मरीज को एक जीवन जीने की नई प्रेरणा और एक नया जीवन मिलता है। और जैसा कि हम जानते हैं, आपने बताया कि 2006 से आप सर्जरी कर रही हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि आप ये जो सेवा भाव दे रही हैं, डॉक्टर की प्रोफेशन में सेवा भाव के रूप में देखा जाता है, आपसे जानना चाहूँगी कि किसी मरीज़ के चेहरे पे या किसी के चेहरे पे जब आप खुशी देखते हैं जब वो ठीक हो जाते हैं, तो वो जो एक खुशी की जो अनुभूति है, मतलब डॉक्टर आप किस तरीके से महसूस करती है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपके साथ ये साझा करना चाहूँगी कि जब पेशेंट्स की हम सर्जरी करते हैं और जैसे या तो हम राउंड पर या मरीज़ छुट्टी होने के बाद वापस हमसे मिलने आता है, तो हमारा पहला सवाल होता है कि कैसे हैं आप जी। और इसमें एक मन में हमारी एक आशा रहती है कि ईश्वर करे मरीज खुश हो अपनी सर्जरी से। और जब उसके अनुकूल हमें जवाब मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा एक मैंने आनंद अनुभव करते हैं हम लोग, जिसको शब्दों में वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम ये अनुभूति करते रहें। और कभी अगर कोई मरीज अपने सर्जरी से अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कभी किसी को कोई और कंप्लेन रहता है, तो उन केसेस में हम यही करते हैं कि पेशेंट्स को हम थोड़ा सा ढांढस बढ़ाते हैं, धीरज बंधाते हैं कि कई बार क्या होता है कि प्लास्टिक सर्जरी में एकदम से अचानक से रिज़ल्ट नहीं दिखते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर हो या हर्निया की सर्जरी हो, अगर हमने ऑपरेशन किया तो वो मरीज़ ठीक हो जाता है। हमारे प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी तक हमारा आधा काम रहता है और सर्जरी के बाद कई महीनों तक उसके तमाम परहेज चलते रहते हैं बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट के लिए। कि अगर हमने खाल लगाया है तो हम मरीज़ को धूप से बचाने के लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं कि इस पर मालिश करके इसको मुलायम रखना है और कुछ फिजियोथेरेपी करने के लिए बताते हैं। तो ये कई महीनों के बाद हमें हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलता है, हमारे लिए भी और मरीज़ के लिए भी। तो एक पेशेंट्स का काम है, हम मरीज़ को पहले ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको प्लास्टिक सर्जरी में धैर्य रखना होगा। बिल्कुल। और आपके चेहरे को देखकर हमें लगता है, आपकी मुस्कान को, कि आपको भी काफ़ी संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है जब ऐसे पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। आप इस कार्यक्रम में आए और अपना अनुभव साझा किया, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर जो भी जानकारी दी उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार सबको फिर से विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त हो चला है जाने का, और जैसा कि जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें और हमें आप ये बताएं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, साथ ही अपना आप कोई सुझाव भी दे सकते हैं। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी नोट करें, हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक TD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, साथ ही हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा ईमेल आईडी है director@dedkpatna@gmail.com।